लोकसभा चुनाव आते ही सट्टा बाजार में गहमा गहमी बढ़ गई। सीटों की बाजी किस राजनीतिक दल के साथ लगेगी, इसको लेकर सट्टा बाजार में भविष्यवाणी होने लगी है। जोधपुर में फलोदी के सट्टा बाजार में लोग एनडीए की सरकार बनाने पर सट्टा लगा रहे हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 300 से 310 सीटें आ सकती है। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की गई कार्रवाई से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाए जाने के बाद लोगों की भावनाएं बीजेपी के साथ आती दिख रही है। लोगों का मानना है कि इस हमले के बाद पीएम मोदी की छवि एक मजबूत और सख्त नेता के तौर पर उभरी है। फलोदी के बुकी हवाई हमले से पहले एनडीए के लिए 280 सीटें और भाजपा के लिए 200 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उनका अब कहना है कि हवाई हमले के बाद हालात बदल गए हैं और जनता का मूड एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। सट्टा बाजार ने इससे पहले कांग्रेस के लिए 100 सीटों का अनुमान जताया था, लेकिन अब ये घटकर 72 से 74 सीटों पर आ गया है। कुल मिलाकर सट्टा बाजार के ताजा रुझान बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। चुनावी खेल को लेकर सट्टा बाजार में अब तक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का दाव लग चुका है।